ये गाइस, मेरा नाम इब्राहिम और आप देख रहे हैं पिलाज बादशाह। लेकिन स्नैप कैमरा जो है स्नैपचैट की तरफ से आता था, जो स्नैपचैट वाली कंपनी है। तो ये पीसी में जो सॉफ्टवेयर था गाइस, ये आज की डेट में बंद हो चुका है और इन्हें कंपनी वालों ने बंद किया है। काफ़ी खूब यूज़ कर रहे थे यूट्यूबर्स और उससे काफ़ी अपने यूट्यूब की वीडियो बना रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और अलग अलग फेस कैम यूज़ कर रहे थे गाइस। तो यार, मैं अभी जो ट्रिक लाने वाला हूँ तुम्हारे लिए, तुम इसे फिर से यूज़ कर सकते हो अपने पीसी में, इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके सारे फिल्टर्स, मोबाइल पे स्नैपचैट के फ़िल्टर यूज़ करते हो, उसी तरह से ये फ़िल्टर वापस काम करने वाले हैं। तो यार, मैं जो जो स्टेप बताऊंगा उसे फॉलो करना और मेरी आवाज़ पर और मुझ पे ध्यान देना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस चैनल को, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो यार, चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जैसे जैसे बताऊँगा आप स्टेप को फॉलो करते हुए इंस्टॉल करना इस एप्लीकेशन को। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कुछ एरर आता है तो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इसका क्या मेथड है और स्नैप कैमरा किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो यार दोस्तों, यहाँ पर तुमको स्नैप कैमरा 1.21 ये जो वर्ज़न है इसको डाउनलोड करना होगा, और इसको डाउनलोड करने के बाद अपने पीसी में इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले मैं जो बता रहा हूँ आपको वो ही करना है। तो यार दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, नंबर वन वाली स्नैप कैमरा, तो ये एप्लीकेशन तुमको डाउनलोड करना है और इसका वर्ज़न होगा गाइस यहाँ पर 1.21, यही एप्लीकेशन है और इसका ये वर्ज़न आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि पूरी ट्रिप इसी वर्ज़न पे काम करने वाली है। तो यार गौर से देखना और इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर देना। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यार मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं तुमको बता दूँगा। यार दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पुराना वाला तुमको बताने के लिए मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ इसको, और ये यहाँ पर 1.20 है, इसको हम पहले अनइंस्टॉल कर देंगे। और भाई, ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ये तुम्हारे पास कंप्यूटर में छाट जाएगा। तो यार अब आते हैं हम अपने लिंक की तरफ, और यहाँ पर ये लिंक को डाउनलोड करना है तुमको, और ये डाउनलोड 2 ही मिनट में हो जाएगा। इसको जैसे ही तुम डाउनलोड करोगे, यहाँ पर गाइस तुम्हारे पास डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पर ये शो करेगा स्नैप कैमरा 1.21। तो यार इसको इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरह से। इसको मत देखो गाइस, इसको देखो, इसको इंस्टॉल करना है तुम्हारा, और यहाँ पर ये इंस्टॉल इजीली हो जाएगा तुम्हारे सिस्टम में, और डेस्कटॉप आइकन भी क्रिएट कर देंगे हम। तो यार इसको भी इंस्टॉल होने देते हैं, जब तक तुम सब्सक्राइब बटन दबा देना और चैनल को लाइक कर देना। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा 2 ही सेकंड में, काफ़ी तेज़ी से ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यार ये इंस्टॉल हो चुका है और अपना डेस्कटॉप आइकन भी बन चुका है। तो यार इसको एक बात याद रखना है तुमको, यहाँ पर जो टिक है ये अनटिक करना है, यानी इसे लंच नहीं करना है, खाना नहीं है, मतलब इसे स्टार्ट नहीं करना है। तो यार ये हो गई पहली स्टेप जो कि तुमको यहाँ से डाउनलोड करना है, जो मैंने लिंक दिया है। फिर गाइस कुछ नहीं करना है गाइस, ये नंबर 2 वाली लिंक को आपको MD5 वाली फाइल है इस पे क्लिक करना है, और इसका वर्जन सही है कि नहीं चेक करना है। तो यार वर्जन चेक करने के लिए तुमको फिर से डाउनलोड फोल्डर में जाना होगा, और यहाँ पर गाइस जहाँ पर तुम्हारा जो स्नैप कैमरा ऐप है 1.21 वाला, इसे ड्रैग करना है, इस तरह से ड्रैग करते हैं और इसे यहाँ छोड़ देना है। तो यार दोस्तों, अगर तुम्हारे पास ये कोड आ रहा है, ये कोड आ रहा है सेम, तो यार फिर तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास दोस्तों ये कोड आ रहा है तो तुम्हारा एप्लीकेशन जो है तो सही वर्ज़न में डाउनलोड हो चुका है। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है गाइस, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें डेस्कटॉप आइकन पे आना है, उसके बाद यहाँ पर स्नैप कैमरा है, उसके लिए माउस का जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल लोकेशन दिखा रहा है, यहाँ पर फाइल लोकेशन पे क्लिक करते ही तुम्हें यहाँ पर जहाँ पर ये इंस्टॉल है वहाँ का फोल्डर बताएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्नैप कैमरा जो फर्स्ट वाला है,
ये उसका एप्लीकेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एक मिनट, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रीनेम करना है। रीनेम करोगे तो आपको क्या नाम लिखना होगा, यहाँ रीनेम करना होगा आपको स्नैप कैमरा ओल्ड, और इसे ओके कर देना है। जैसे यार तुम इसे ओके कर दोगे, यहाँ पर ये छोटी वाली विंडो कर देना, इसे साइड में रख देना। उसके बाद यहाँ पर मैं जो तीसरी लिंक दे रहा हूँ गाइस 3 नंबर की, उस पर क्लिक करना है, जैको पे। और जैको पे जाते ही तुमको यहाँ पर ये जो लिंक है गाइस, इसको यहाँ पर ड्रैग करना है, जहाँ से तुमने इंस्टॉल किया और नाम चेंज किया है, इसको उठाना है और यहाँ पर फाइल पे कॉपी करना है। जैसे ही तुम फाइल पे कॉपी कर दोगे, यहाँ पर दिखाई देगा पैच फाइल, और ये पैच फाइल बना के दे देगा तुमको 1. स्नैप कैमरा 1.21। यहाँ कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करना है और अप्लाई पैच पे क्लिक करना है। तो यार यहाँ पे जब से ही तुम अप्लाई पैच पे क्लिक करोगे, अब जो वो थी ओल्ड फाइल तुम जिसे देख के ललचा रहे थे, ये वही फाइल है। तो यार यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर से तुम्हें डाउनलोड फोल्डर में जाना है। इसको साइड में ले लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड के बाद जो ओल्ड पैच फाइल है, ये तुम्हारी अभी बनी है, इसे कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करके गाइस इस पे पेस्ट कर देना है। अभी पेस्ट ही नहीं हुआ क्या? अरे एक मिनट, इसको क्वाइट करेंगे। हाँ, ये जो फोल्डर है यहाँ पर, यहाँ कंट्रोल वी दबाएंगे और यहाँ पर गाइस लिखा हुआ है यू नीड टू एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, कंटिन्यू करना है। ये तुम्हारा पैच फाइल चाहिए, अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है। एक मिनट, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम चेंज कर देंगे गाइस, इजीली हो जाएगा तुम्हारा भाई। थोड़ा क्रिटिकल बना दिया उसको मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में। यहाँ पर ये स्नैप कैमरा हो चुका है, और यहाँ यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे अपन। ओह भाई साहब, यार भाई साहब, ये तो कैमरा हो गया अपना चालू। यहाँ पर यहाँ तुम्हारे कैमरे की जो भी सेटिंग है उसे कर लेना। डिवाइस इज अनअवेलेबल, क्योंकि यार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी अपने वेब कैम में, तो यार मुझको यहाँ पर शायद बंद करना होगा मेरा वेब कैम। एक मिनट रुक जाओ, इंस्टॉल नहीं, ओपन करेंगे। तो यार दोस्तों, ये देख सकते हो तुम, यहाँ पर ये अपना कैमरा जो है काम करने लगा है। तो स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा कैम, और यहाँ पर गाइस तुम्हारे सामने ये देखो गाइस, हेलो आई हे, ओ हो। यार इस तरह से वर्क करता है यार। तुम ये ट्रिक को थोड़ा बनाने में, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, इसको थोड़ा क्रिटिकल है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा तुमको। बस कुछ नहीं करना है गाइस, पहली जो वीडियो की लिंक है मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको आपको डाउनलोड करना है, 1.21 वाला स्नैप कैमरा, और उसे इंस्टॉल करना है, लेकिन लंच नहीं करना है, खाना नहीं है, मतलब उसे ओपन नहीं करना है। और दूसरी स्टेप थी गाइस कि आपको वो वर्ज़न सही है कि नहीं, वो दूसरी जो 5MD वाली फाइल है, 5MD वाली जो साइट है, वहाँ पर जाकर आपको डाउनलोड फोल्डर में स्नैप कैमरे का पेस्ट करना है। तो वो जो कोड आएगा, अगर वो कोड आपका मैच होता है तो ये वर्ज़न सही है। और थर्ड जो है गाइस, उसमें थर्ड में आपको स्नैप कैमरे के जो फाइल लोकेशन है जहाँ पर इंस्टॉल होता है, वहाँ पर जाकर आपको उसका रीनेम करना है, और रीनेम करने के बाद उसको रीनेम में स्नैप कैमरा ओल्ड लिखना है। ओल्ड लिखने के बाद जो फोर्थ स्टेप है गाइस, फिर वो मेरी जो थर्ड वाली लिंक है, वहाँ पर आप जाना है और उसको पेस्ट करना है वहाँ पर,
उसकी पैच फाइल बनानी है, और वो जो पैच फाइल डाउनलोड हो जाएगी, पैच फाइल को अप्लाई करना है, फिर डाउनलोड करना है, फिर वो तो डाउनलोड हो जाएगी, तो फिर स्नैप कैमरे का जो ओरिजिनल लोकेशन है जहाँ पर इंस्टॉल है वो वहाँ पर उसको पेस्ट करना है, और जो ओरिजिनल वाला स्नैप कैमरा था उसको डिलीट करना है, और फिर इसका रीनेम ओल्ड वन पैच फाइल जो होंगी वो पैच फाइल को रीनेम करना है, स्नैप कैमरा लिखना है, बस इतना करना है तुमको, और उसके बाद सब कुछ राइट हो जाएगा। मिनिमाइज कर देना है और उसके बाद वेब कैम ऑन करना है, स्नैप कैम, या तो फिर तुम पीसी को रिस्टार्ट भी कर सकते हो, पीसी को रिस्टार्ट कर दोगे तो फिर ये वेब कैम स्नैप कैमरा वापस से वर्क करने लगेगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो तुम मुझे कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना गाइस, और मेरा ये गेमिंग चैनल है, और ऐसे ट्रिक भी लाता हूँ मैं अपने चैनल पे और लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, अपना खूब ख्याल रखना। यार यहाँ पर तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो गाइस, एक ट्रिक है, तुमको जो भी लेंस करना है लेंस सर्च करना है, यहाँ पर तुमको लेंस सारे मिल जाएंगे, कोई ऐसा छूटेगा नहीं, जो जो स्नैपचैट में यूज़ करते हो सारे मिल जाएंगे, कार्टून वाले भी, हर चीज़ बस यहाँ पर सर्च करना है तुमको। ओ भाई साहब, बहुत सारे भाई, क्या क्या सर्च करके बताऊँ मैं तुम्हें।